नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज का विषय प्रत्यय पर चर्चा करें। लगभग एक से दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रत्यय पर। दोस्तों प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द में अर्थ परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय प्रति प्लस अय, प्रति का अर्थ है यह होता है साथ में, पर मतलब बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला। आगे प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आगे प्रत्यय का अर्थ अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बात करें प्रत्यय अविकारी शब्दांशों से होते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यह अविकारी शब्दांश होते हैं, मतलब कि जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगने या लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है, नोट करने वाला पॉइंट, बल्कि अंतिम वर्ण स्वर में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है या लग जाएगी। बात करें आगे, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे सामाजिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है तो सामाजिक हो जाएगा। एक प्रत्यय लगने मूल शब्द ये हुआ तो एक लगने से सामाजिक हो जाएगा। बात करें आगे सुगंध में इत प्रत्यय लगने से सुगंधित हो जाएगा। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लगने पर भुड़क्कड़ हो जाएगा। मीठा में आस प्रत्यय लगने पर मिठास हो जाएगा। लोहा में आर लगने से लोहार बन जाएगा। नाटक में कार प्रत्यय लगने पर नाटककार बन जाएगा। बड़ा में आई प्रत्यय लगने से बड़ाई हो जाएगा। टिक में आऊ प्रत्यय लगने से टिकाऊ बन जाएगा। बात करें बिक में आऊ प्रत्यय लगने से बिकाऊ हो जाएगा। वैसे ही होन में हार प्रत्यय लगने से होनार, और लेन में दार तो लेनदार हो जाएगा। घट में या प्रत्यय लगने से घटिया हो जाएगा। गाड़ी में वाला लगने से गाड़ी वाला बन जाएगा। सूत में अक्कड़ प्रत्यय लगने से सूतक्कड़ हो जाएगा। आगे बात करें संस्कृत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो बात कर लें कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय यह होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। यह प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। बात करें कृत प्रत्यय के योग में संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे लिख अक प्रत्यय लगने से लेखा हो जाएगा। लेख होगा लेख, मतलब कि लेख में अक प्रत्यय लगने से यह लेखक हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अक प्रत्यय लगने से लेखक, पाठक, कारक, गायक, धावक, सहायक, पालक हो जाएगा अक प्रत्यय लगने से। वैसे ही दोस्तों अन प्रत्यय पालन हो जाएगा अन प्रत्यय लगने से। अन प्रत्यय लगने से शयन हो जाएगा, नयन हो जाएगा अन प्रत्यय लगने से, और चरण हो जाएगा अन प्रत्यय लगने से। मोहन अन प्रत्यय से हो जाएगा। झाड़न अन प्रत्यय लगने से हो जाएगा। पठन अन प्रत्यय लगने से भज, और वचन अन प्रत्यय लगने से हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ना प्रत्यय लगने से घटना हो जाएगा। तुलना, वंदना और वेदना ना प्रत्यय लगने से हो जाएगा। अन्य अन्य लगने से माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय या बन जाएगा। आगे बात करें आ प्रत्यय लगने से सूखा, भूला, जागा, पूजा और
पूजा और इच्छा विच्छा लिखा भटका झूला यह बन जाएगा अप्रत्यय लगने से। ऐसी दोस्तों आई आई प्रत्यय लगने से लड़ाई सिलाई पढ़ाई चढ़ाई और सुनाई वो बन जाएगा। जबकि इसमें मूल शब्द आप देख रहे हैं लड़ सिल पढ़ चढ़ सुन या मूल शब्द होंगे इसमें आई प्रत्यय लगने से। वैसे दोस्तों उड़ मूल शब्द होगा मिल दौड़ थक चढ़ पढ़ और आन प्रत्यय लगने से उड़ान मिलान दौड़ान थकान चढ़ान और पठान आदि बन जाएगा। वैसे ही मूल शब्द हर गिर दशरथ और माला अगर इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हरी और गिरी वो बन जाएगा आगे दशरथी और माली हो जाएगा। यहीं जैसे छल जड़ वड़ घट यह मूल शब्द है अगर इसमें या प्रत्यय लगाएंगे तो छलिया हो जाएगा जड़िया हो जाएगा वड़िया हो जाएगा और घटिया भी हो जाएगा। वैसे इत प्रत्यय लगने से पठित व्यथित फलित और पुष्पित बन जाएगा यह मूल शब्द व्यथा फल पुष्प आगे आदि होगा। वैसे ही दोस्तों बात करें इत्र की चरित्र पवित्र खनित्र आदि बन जाएगा। यल में अड़ियल मरियल और षड़ियल बन जाएगा अगर अड़मर और षड़ में यल प्रत्यय लगा दें तो। वैसे ही दोस्तों गुर फांस भार और ई वैसे ई प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी बोली त्यागी रेती घुड़की फांसी और भारी बन जाएगा। ऐसे ही उप प्रत्यय लगने इच्छुक भिक्षुक आदि बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बात करें यहाँ तक देख चुके दोस्तों अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृत कृतवाचक कृत प्रत्यय विशेषणवाचक कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय और उपक्रमवाचक कृत प्रत्यय और क्रम करणवाचक कृत प्रत्यय या प्रत्यवाच प्रत्यय के भेद होते हैं कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। वैसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय जो होते हैं जिस शब्द में किसी के कार्य को करने वाले वाले का पता चले उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक प्रत्यय लेखक नायक गायक पाठक अक्कड़ अगर लगेगा तो हो जाएगा भड़क्कड़ और घुमक्कड़ पियक्कड़ आदि बन जाएगा। ऐसे ही आग प्रत्यय लगने से तैराक लड़ाक आलू से आलू अगर प्रत्यय लगाएंगे तो हो गए झगड़ालू और आकू लगाएंगे तो हो जाएगा लड़ाकू कृपालू दयालु आड़ी अगर प्रत्यय लगाएंगे तो खिलाड़ी अगाड़ी अनाड़ी ईयल प्रत्यय लगाएं अड़ियल मरियल और षड़ियल आदि बन जाएगा। चलते दोस्तों आगे ऐसी बात करते हैं विशेषण कृत प्रत्यय प्रत्यय के जिन क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषण वाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों इसको भी जैसे ता ता प्रत्यय तब हो जाएगा आगत कृत तव्यत यानी तव्य जो है अगर तव्य प्रत्यय लगाएंगे तो गंतव्य हो जाएगा कर्तव्य हो जाएगा या प्रत्यय लगने से या प्रत्यय लगने से पूज्य हो जाएगा खाद्य हो जाएगा अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो पठनीय हो जाएगा सोचनीय हो जाएगा। वैसे ही तद्य तद्यत प्रत्यय पर बात करें तो जो प्रत्यय संगत संग्रह नाम और विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्यत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं यह भी देख लेते हैं। यह जो प्रत्यय हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं या किसी व्यक्ति की विशेषता को दर्शाते समय उपयोग होता है। जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है। जैसे धन मूल शब्द है वान धनवान हो गया विद्या मूल शब्द वान प्रत्यय विद्वान हो गया बल मूल शब्द वान प्रत्यय तो हो जाएगा बलवान। ऐसे ही दोस्तों वाक्य में मूल शब्द है वान प्रत्यय तो हो जाएगा वाक्यवान। आगे की ओर उदार मूल शब्द ता प्रत्यय उदारता फल मूल शब्द ता फलता हो जाएगा पंडित में आई प्रत्यय पंडिताई चालाक में ई प्रत्यय चालाकी ज्ञान में ई प्रत्यय ज्ञानी यह बन जाएगा। ऐसे इसका उपयोग एक वचन शब्दों उपवचन शब्दों को बनाने का के लिए किया जाता है। भाषाओं में ओ प्रत्यय लगाएंगे भाषा हो जाएगा शब्द में ओ प्रत्यय लगाएंगे शब्दों हो जाएगा वाक्य में ओ प्रत्यय लगाएंगे वाक्यों बन जाएगा कार्य में ओ प्रत्यय लगाएंगे कार्यों बन जाएगा और नदी में
या प्रत्यय लगाने से नदियाँ हो जाएगी, प्रति में या प्रत्यय लगाने से प्रतियाँ हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और ये घंटी दिख रही है आपको, इस पर बैठ जाएं, दबा दें, मतलब कि बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।